आपने ये केस जो टेकअप किया है उसकी वजह क्या थी? थैंक यू सो मच जोहेब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद ये करता हूँ कि आपके चैनल और इस चैनल प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम के तवस्सुत से जितने भी देखने वाले हिंदुस्तानी पाकिस्तानी समेत दुनिया में जहाँ भी रहने वाले सब्सक्राइबर हैं हमें देख रहे हैं वो ठीक होंगे। उन सबको अस्सलाम वालेकुम, जी आयानू, नमस्ते, वो ठीक होंगे। इस केस को टैकल करने के कुछ वजूहात हैं, वो मैं पहले अपने प्रोग्राम्स में दे चुका हूँ। सबसे पहले वजह यह है, ये केस जो है वो है फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत का केस है, इंसानियत की मदद का केस है। एक वालिद से बच्चे छीने गए, एक वफादार जो शोहर है उसके साथ धोखेबाजी दगाबाजी की गई, इंसानियत को बेचा गया, इंसानियत की तजलील की गई। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है, मेरा मुल्क पाकिस्तान, मेरे मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नारे लगाने वाला जो है एक वहाँ का वकील था, वो पढ़ा लिखा शख्स जो है वो वहाँ का माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील माना जाता है। उसने मेरे प्यारे मुल्क, मेरे प्यारे वतन के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वो नारे भी किससे लगाए? मेरे जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान से मासूम बच्चे थे उनसे नारे लगवाए। ये बड़े रीजंस थे बड़े। उसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक मजबूर इंसान था, एक मजबूर पाकिस्तानी था जो बैतुल्ला के गिलाफ से लिपट कर रो रहा था, जो रोज़ा रसूल पर रो रहा था। उसका कोई मददगार नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था, उसकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ये सारे रीजंस थे, तो उस वजह से मैंने इस केस को टैकल किया। यकीनन ये एक मुश्किल तरीन केस है हिंदुस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का एक मुश्किल तरीन केस है। इस केस में जो मुद्दई है, न मुद्दई पाकिस्तान में है, न ही जो ये क्रिमिनल एक्ट करने वाला है, न ही वो पाकिस्तान में है, ये सरहदों के बाहर है। ये जो सीमा हैदर है ये भी पाकिस्तान से बाहर है। ये सीमा हैदर का साथ देने वाले जो नित्तर पाल मीणा है ये भी पाकिस्तान से बाहर है, सचिन मीणा है ये भी पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल मैं, ये मेरी तरफ से सवाल नहीं है, ये जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से कुछ सवाल आते हैं, और आपको पता है जहाँ अच्छे सवाल होते हैं वो बुरे सवाल भी होते हैं। वो समझते हैं कि आपके बारे में वो जानते नहीं हैं कि ये फेम इंस्टेंट के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो मैं उनको बता दूं और आप भी आज हकीकत बता दीजिए कि आपने इस केस की कितनी फ़ीस ली और किस लिए इस केस को आपने परसू किया है। देखें, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता हूँ, मैंने मेरी जो तालीम है वो ह्यूमैनिटी में है, और मेरे जो रिसर्च है सारी, मेरा मास्टर हो, मेरे एमफिल हो या मेरा पीएचडी हो, वो सारी इंसानियत की तालीम पर ही है, लॉ पर ही है। ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ह्यूमैनिटी लड़े हैं, एक रुपया भी नहीं लिया है। तो ये गुलाम हैदर का जो केस है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक रुपया भी गुलाम हैदर से न लिया है, न ही फ्यूचर में मैं लेने वाला हूँ, न ही गुलाम हैदर के थ्रू मैं किसी और से एक रुपया भी लेने वाला हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल केस है। ये पहला केस नहीं है, ये इंटरनेशनली केसेस बहुत सारे मैंने डील किए हैं। आपको पता ही होगा कि कुछ वक्त पहले एक हिंदुस्तानी जो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आया, तो शबीर अहमद उसका नाम था, वो भी केस मैंने प्रोसीड किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो केस मैंने जीता और हाईकोर्ट से मैंने वो केस जीता, और पाकिस्तान की हाईकोर्ट ने, सिंध हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि उसको रिहा किया जाए, रिहा करके उसको पाकिस्तान हिंदुस्तान भेजा जाए। वो केस जो शबीर अहमद का लिया, वो भी केस जो है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया, बग़ैर पैसों के लिया। इस चैनल के थ्रू जो है वो हिंदुस्तानी लोग जितने भी हैं, वो राजस्थान का रहने वाला है, राजस्थान में ज़रूर उसके वालदेन, उसके मोहल्ले वाले, उसके शहर वाले ये देख रहे होंगे, वो शायद ही देंगे कि मैंने वो केस भी फ्री ऑफ कॉस्ट लिया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। देखें, ये वकालत जो होती है ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं होती है, ये खिदमत के लिए होती है। हम खिदमत करते हैं इंसाफ की खातिरी के लिए, सब केसों में पैसे नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें इंसानियत की खिदमत की जाती है, समाज की खिदमत की जाती है, मुल्क की खिदमत की जाती है, गरीब मिस्कीन बेसहारा लोगों की खिदमत की जाती है। तो मैं खिदमत करता हूँ, मैं वकालत को इंसाफ के लिए और खिदमत के लिए बेहतर मैं प्लेटफॉर्म समझता हूँ, और हम खिदमत इसमें करते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, आप लोगों को ये तो पता चल गया कि यहाँ पर कोई फेम इंस्टेंट नहीं है, इंसानियत के लिए इससे पहले भी ये काम कर चुके और ये
आज रोशन साहब ने हमें बता दिया कि ये केस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इंसानियत के लिए, जबकि सीमा ये बात कहती है कि पाकिस्तान में तो बड़ा जुल्म सितम है, तो इस बात की नफ़ी यहाँ से भी हो जाती है। मैं दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि एक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक शादीशुदा औरत उस शोहर का माल बेचती है, उसके बच्चों को फरार करके इन लीगल वे में वहाँ चली जाती है, तो क्या पाकिस्तान के लॉ में उसके लिए कोई सज़ा है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि पाकिस्तान के कौन से कानून तोड़े गए, हिंदुस्तान के कौन से कानून तोड़े गए, नेपाल के कानून तोड़े गए या नहीं तोड़े गए। ये ऐसे सवाल हैं जिनको हिंदुस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हम इसको देखते हैं कि सीमा ने कौन सा कांड किया, कौन सा क्रिमिनल एक्ट किया। सबसे पहले सीमा ने पाकिस्तान का फॉरेन एक्ट जो है उसकी वायोलेशन की। सीमा ने इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 की वायोलेशन की, सीमा उसकी कसूरवार है। उसके बाद सीमा ने पाकिस्तान का पासपोर्ट एक्ट 1974 है, उसका भी सीमा ने वायोलेशन की, सीमा ने उसका लॉ तोड़ा है। उसके बाद सीमा ने थेफ्ट की, सीमा ने चार लाख रुपए जो गुलाम हैदर साहब के रखे हुए थे, सीमा ने वो पैसे चुराए। सीमा ने 4 तोला जो सोना है गुलाम हैदर साहब का, वो सीमा ने वो चुराया, बेचा। सीमा हैदर ने एक घर 20 लाख रुपए का गुलाम हैदर साहब का फ्रॉड करके वो बेचा। सीमा ने पूरे घर का सामान, होम अप्लायंसेस जितना भी था, ये मजदूरी करके सऊदी अरेबिया में इसने जोड़ा, घर बनाया, सीमा ने वो सारा बेचा। तो सीमा ने पाकिस्तान का फौजदारी कानून भी तोड़ा, किसके साथ? इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के साथ, फॉरेन एक्ट के साथ, पासपोर्ट एक्ट के साथ। ये पाकिस्तान के कानून सीमा हैदर ने तोड़े। उसके साथ सीमा ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट 2018, सीमा ने 4 बच्चे ह्यूमन ट्रैफिक किए, इंडिया पहुँचाए। ये सीमा ने पाकिस्तान का कानून तोड़ा।